ये है मेरा जबड़ा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई एम फिल्मिंग आफ्टर सो लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग। मतलब मुझे लग, हाँ मैंने लास्ट हमारी क्लासेस कब शुरू हुई थी, फरवरी से जनवरी में बनाई थी गाइस लास्ट वीडियो। उसके बाद मेरी वो भी स्टार्टिंग में ऑफ गायने की पोस्टिंग, और उसके बाद हमारा सर्जरी निकल गया। हेलो, सर्जरी निकल गया हमारा, और अब मेडिसिन भी आधा आधा हो चुका है, और अब मैं बना रही हूँ। बिकॉज मतलब माय लाइफ हैज बीन सो टायरिंग, डू यू एग्री? मतलब माय आर लाइफ, क्योंकि जो मेडिसिन होता है उसमें हमारी 4 to 6 भी पोस्टिंग होती है हॉस्पिटल में, एंड वी जस्ट हैव टू स्टैंड देयर, और इट इज़ सो दैट इज़ वेरी वेरी टायरिंग। उसके बाद वापस जाकर आई हैव टू गो टू द जिम, फिर उसके बाद मेरी रात जाती है, फिर मुझे नींद आ जाती है। एंड और हमने पढ़ाई भी नहीं की है बहुत टाइम हो गया, क्योंकि हम इतने टायर्ड होते हैं कि वी कांट स्टडी, पढ़ने का मन ही नहीं करता। नींद, मुझे तो नींद ही आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, और सुबह भी नहीं उठा जाता है दोस्तों। सो दिस इज इट, ओनली आप देख सकते हो, और हमारे पास वी हैव सो मच टू कैच अप ऑन। और जैसे कि क्या हुआ, हमारा रिजल्ट आया सबसे पहले तो, वेट वेट, हमारा रिजल्ट आया एंड इट वॉज गुड। और दूसरी चीज क्या हुई कि हमारे बहुत सारे बैचमेट्स एडमिट हो गए, ठीक है, वो बीमार हो गए जैसे डायरिया आउटब्रेक। क्या हो रहा है, स्टोरी डाल दी तो फिर, और यार मेरी वीडियो डाल रही है यार, देखो गाइस ये होली इफेक्ट, सॉरी क्या मेरी स्टोरी डाली, बदतमीज सी लड़की, खुद की देखो इसके जरा, ये देखो, और मेरी स्पेक्स का कलर देख सकते हो गाइस यार क्या बन गया है, डार्क पिंक। हाँ, और कल होली बर्थडे था, यू कैन सी अभी तक नहीं कलर गया है दादा, देखिए मेरी जा ही नहीं रहा। तो ऐसा है, और अभी तो आपने देख ही लिया तो ऐसे करके मेरी शादी हो गई है होली में ये वाला इमोजी डाल के, प्लीज गाइस भरो बहुत गंदे बुली फ्रेंड्स है गाइस, यहाँ क्या कर सकते हैं। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी, इसी तरह आते हैं, हाँ ये बहुत बुरी है, सबकी बेइज्जती करती है। यस, और इसकी जब होती है तो इसके ये पानी में समा जाती है, फिर कोई बात नहीं। फिर आज हम आपको अपना पूरा, फिर हम आज आपको अपना पूरा दिन दिखाएंगे, और आप समझ सकोगे कि मैंने क्यों नहीं पोस्ट किया, कितनी थक जाती हूँ मैं अपनी बात कर रही हूँ। और ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज व्लॉग बनाने की मोटिवेशन कहाँ से आई मुझे गाइस, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो आप देख सकते हो कि सिया एक बहुत बड़ी भक्त है, ये अभी वैष्णो देवी से आई है, तो आप हमें थोड़े प्रवचन बताओ। सबसे दुखी बात ये थी कि वहाँ पे प्रीपेड चलता ही नहीं, तो मैं बिना, ओह माय गॉड, आजकल के लोग कितने गंदे बच्चे हैं आजकल के। स्लिम छोड़ो गाइस, ये देखो अभी भी ये संत बन के आई है आज। अगर तूने ये डाला तो क्या यही डाला। एंड ऑल्सो दोस्तों, आई वेंट टू, यार आप मेरे चश्मे का कलर देख सकते हो, आई डोंट फील लाइक वेयरिंग दिस, क्या हो गया होली से। एंड आई ऑल्सो वेंट टू कसूर, इट वाज सो मच फन। गाइस अब हम देखेंगे इशिता की ऑटोग्राफ। नाम लिख रही हूँ, आगे तो साइन ही है सिर्फ, और ये तो श्रुति लग रहा है। दिस इज द पेशेंट, हेलो पेशेंट, हाउ आर यू पेशेंट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अभी इसका जैसे चैनल हटा और अगले दिन ही होली में नाचने आ गया गाइस, फुल पावर। निशान भी नहीं गए अभी दोनों हाथों से, मेरा अभी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी नहीं गया है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी नहीं गया है, एंड दिस पेशेंट इज सो। अब मुझे बताओ कितने दिन एडमिट रहे और आपने क्या मौज की वहाँ पे? 3 दिन रहा मैं एडमिट, जोर से बोल थोड़ा, और मौज की, और मौज के नाम पे मैंने,
इसमें मौज ये क्योंकि इसकी सारी जो हम लड़की दोस्त है रोज इससे वहाँ मिलने आते थे इसके चिज्जी लेकर हमने बहुत सारी गप्पे मारी हमने बहुत ही ज्यादा गप्पे मारे बस ये और कुछ भी नहीं किया और इसने बेड रेस्ट पे था ये अपनी ओर से बस दोस्तों ये लोग जो है आपने पुरानी वीडियो तो मेरी देखी होगी कि हमने कैसे प्लान बनाया और हम कहीं नहीं गए और ये बोल रहे हैं कि चलो वैष्णो देवी चले तो हम कह रहे हैं कि कहीं आसपास तो चल ले पहले प्लीज यार सब तू पक्का टॉप करेगी अब ऐसे प्रॉमिसेस प्लान्स नहीं बनाने देखो सिया तो आ गई वैष्णो देवी से आशीर्वाद लेके एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको बताऊंगी कि आज मुझे व्हाई डिड आई डिसाइड टू व्लॉग तो एक्चुअली हुआ क्या यस्टरडे आई रिसीव्ड अ मैसेज और मतलब आई विल पुट इट हियर आप यू कैन रीड इट पॉज इट एंड रीड इट एंड उसको देख के मुझे सच में बहुत मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए तो जस्ट इज जस्ट अ हॉबी बट फॉर सम पीपल इट मीन्स समथिंग एल्स सो आई शुड पोस्ट मोर रेगुलरली दो इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट प्लस एक मुझे बहुत गंदी जो आदत लग चुकी है दैट इज़ वॉचिंग सीरीज जो कि मैं कभी भी नहीं देखती थी आज तक और उसमें मैं बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ तो आई एम थिंकिंग मुझे फिर से छोड़ना चाहिए बहुत हो चुका है बिकॉज उसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू यू नो पोस्ट एंड ऑल एंड डू मैनी थिंग्स सो या दैट इज़ दैट सो लेट्स गो टू द क्लिनिक्स नाउ गाइज इशिता की पोस्टिंग आज कल गायने में है तो आपने वहाँ पे क्या किया देखा ये मुझे बताओ कुछ भी नहीं था अभी तक झूठी डिलीवरी तो देख ली तूने अच्छा वाओ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इट वाज रियली नाइस एंड इमोशनल डिड यू क्राई या अ ड्रॉप दोस्तों इट इज वन कितना 25 से ऊपर हो रहा है और हम अभी फ्री हुए हैं बस मतलब 15 के अराउंड और हम लंच करने आ गए हैं आई कुड नॉट शो यू एनीथिंग क्योंकि राउंड ही हमारा पूरा 1 बजे के बाद ख़त्म हुआ उसके बाद क्लास हुई तो राउंड पर ऑब्वियसली आई कैन नॉट बी यूजिंग फोन और हमने जो मेल में जो मैक्सिमम केसेस होते हैं दे आर अल्कोहल से रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं तो यू नो व्हाट आई मीन और वो सारा जो होता है रेकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं छोड़ पाते हैं सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और फीमेल में तो मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखे तो दिस इज़ फॉर आवर लंच मूंगी की दाल एंड सम करी तो दोस्तों ने फटाफट अपना खाना ख़त्म किया और क्या ही कर सकते थे जैसे खाना ख़त्म हुआ ही था ज़बरदस्ती बहुत ही जल्दी जल्दी खा के तो हमें क्लास के लिए आना पड़ गया अब हम क्लास में गाइस इट इज 5 PM अभी तक हम थे 4 बजे तक क्लास थी हमारी ये कैसा 4 बजे तक हमारी क्लास थी फिर उसके बाद हमने थोड़ा लाइब्रेरी में बैठे पढ़ाई तो हमसे हो नहीं रही थी वी आर सो टायर्ड अब हम जा रहे हैं और हमारी किस्मत इतनी गंदी है हम इतने थके हुए हैं कि जो एक शॉर्टकट आ रहा था कॉलेज में से अभी वो भी बंद हो गया था गाइस हमें वापस नीचे आना पड़ा और हम वो ऊपर जा रहे हैं इतना घूम के सो इसे कहते हैं फिर वापस भाग चुके हैं यस एज यू कैन सी फिर अब हम जा रहे हैं हमें जवानी में बुढ़ापे वाले डिजीजेज की वो आ रही है भाई सब अपने आप से जोड़ों में दर्द चलो बाय देखो दोस्तों अभी यहाँ अटेंडेंस भी नहीं मन रहा रहे हैं बट वी आर हियर टू लर्न पर अगर सीखें तो अच्छा है वहाँ पे इमरजेंसी रूम में अपने सारे प्रोसीजर को अंजाम देगी सिया लो जी ले जाओ लग रहे हैं कोई नहीं ठीक है okay.
तो गाइस आप ये देख सकते हो हमारा कॉलेज आपने बहुत दिनों से देखा नहीं है। आई नो, ये देखो ये रहा हॉस्पिटल। तो गाइस हमारा आज का दिन ख़त्म हो चुका है। वाओ पीछे कितना चला गया। तो दिन मतलब कि कॉलेज वाइज अभी हमारा बहुत दिन पड़ा है। वी हैव अ लॉट ऑफ काम, वी हैव टू वर्क आउट, देन वी हैव टू बस फिर हमें रेस्ट करना है, फिर हमें क्या करना है, सो जाना है, फिर हमने थोड़ी सीरीज देखी है, फिर हमें सो जाना है। दैट्स आवर लाइफ। तो पढ़ाई का तो नाम आया नहीं ना कहीं गाइस। तो आप रुको जरा, मैं हमारे हंसी जा रही है, ये जी थी अभी। तो ऐसा है, अब हम क्या करें आप बताओ, हम कब पढ़े, अब हम थक नहीं गए आप बताओ। अभी हम जाएंगे वर्कआउट करें। तो देखा इस बिरयानी में मच्छर घुस रहा था। अब सीरियसली अपना ये बना लो। हाँ बोल, कुछ काम नहीं करते। आसमान कितना ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। हाँ फिर हम सीरियस कुछ नहीं और कुछ नहीं बस ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट मंथ हमारी कम्युनिटी मेडिसिन में है, उसमें पढ़ेंगे। अभी भी मतलब हम सीख रहे हैं क्लिनिकल थोड़ा थोड़ा, जितना वैसे तो मेडिसिन जो है फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, पर अगले साल हमें शायद अच्छे से समझ आएगा, है ना। होपफुली आएगा। बट हाँ अभी ये कि थोड़ा थोड़ा हम अपने लेवल पे देख रहे हैं, बट इट इज़ वेरी टायरिंग। बट हमें मतलब आई कांट बिलीव कि किसी दिन हम 36 आवर ड्यूटी देंगे। आई डोंट नो कि वो हमारे जैसे इंसान कैसे बाद में ऐसा काम करते हैं। लेफ्ट टर्न, ठीक है। तो वाओ यार, बहुत ही जल्दी आ रहे। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। बस भी नहीं दिख रहा है ऐसा।